अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक खालिद है और आप देख रहे हैं टिक मलिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आज आपने इस वीडियो को लाजम देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सऊदी अरब ने वीज़े जो है बंद कर दिए हैं, किन हज़रात के बंद किए हैं, तो आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। सऊदी वजारत मेहनत ने ऐलान किया है कि अब गैर मुल्की अफराद को ड्राइवर का वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। वजारत मेहनत के तर्जमान ने ऐलान किया है कि फ़िलहाल बाहर से ड्राइवर को मंगाने के लिए वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा, चाहे वो कंपनियां हों या कोई फर्द। किसी को अब बाहर से ड्राइवर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सऊदी हुकूमत ने जो है वीज़े बंद कर दिए हैं, वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। घरेलू मुलाजमीन से भी कोई ड्राइवर का पेशा इख्तियार नहीं कर सकता है, यानी वो ड्राइवर के तौर पर सऊदी में काम नहीं कर सकता। इन्हें सिर्फ ऐसे पेशे में काम करने की इजाज़त होगी जिन पर इनका इकामा वीज़ा लगा होगा। तो दोस्तों आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिसका आपका वीज़ा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो है ड्राइवर का जो है न्यू वीज़ा जो है सऊदी हुकूमत ने बंद कर दिया है, लेकिन वो ड्राइवर लाइसेंस हासिल कर सकता है और गाड़ी भी चला सकता है, लेकिन वो एज ए ड्राइवर काम नहीं कर सकता। इस सिलसिले में ट्रैफिक तर्जमान ने मजीद कहा है, वजारत मेहनत के साथ मिलकर घरेलू मुलाजमीन को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब सऊदी अरब ने एज ए ड्राइवर काम नहीं कर सकता, इस पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों अब किसी को ड्राइवर का वीज़ा नहीं मिल सकता। दोस्तों ये वीज़े इसलिए बंद किए गए हैं क्योंकि दोस्तों पहले जो है सऊदी हुकूमत ने ख़वातीन को जो है ड्राइविंग की इजाज़त नहीं दी हुई थी। तो दोस्तों अब जो है सऊदी हुकूमत ने ख़वातीन को जो है ड्राइविंग की इजाज़त दे दी है, इसलिए जो है दोस्तों अब जो है ना आपको जो है ये वीज़ा नहीं मिल सकता ड्राइवर का, इसलिए जो है दोस्तों सऊदी हुकूमत ने इसको बंद कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो दोस्त न्यू हैं चैनल पे, चैनल को जल्दी से सब सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।